हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस बॉटल को डेकोरेट करेंगे एक न्यू टेक्निक से। बॉटल को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले आप वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई करें सेंटर पे, फिर उसके बाद येलो और उसके अराउंड आप ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे। इट मींस हम लाइट टू डार्क मूव कर रहे हैं। और फिर इन तीनों कलर्स को अप्लाई करने के बाद आप पहले इसको एम्पल अमाउंट में अप्लाई कर लीजिए और फिर इन कलर्स को अप्लाई करने के बाद स्पंज की हेल्प से आप इनको मिक्स करेंगे। सो यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट। स्पंज से कलर मिक्स करते वक्त आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, जब आप लाइट कलर टू डार्क कलर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो आपके स्पंज में पिगमेंट्स डार्क होते जाएंगे। अब आपको अगर वापस आके कुछ मिक्सिंग करनी है तो आपको उसका स्पंज का साइड चेंज करके मिक्स करना होगा, अदरवाइज़ आपके डार्कर कलर के पिगमेंट्स लाइटर कलर के ऊपर आ जाएंगे और इससे आपका बॉटल बहुत मैसी लगेगा। सो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिप व्हेन यू आर मिक्सिंग कलर्स विद द हेल्प ऑफ स्पंज। तो चलिए, इस बॉटल को डेकोरेट करने के लिए मैं आदि योगी का एक स्केच ले रही हूँ। चूज़ करने के बाद मैं इसको प्लेन A4 साइज़ प्लेन पेपर पर ही ट्रेस कर रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसको हम मास्किंग टेप की हेल्प से बॉटल पे फिक्स कर लेंगे। स्केच की प्लेसमेंट डिसाइड करने के बाद हम कार्बन पेपर की हेल्प से इसको ट्रेस कर लेंगे। अब हमने जो स्केच लैपटॉप पर डिसाइड किया था, निकाला था, उसको हम देखते हुए जहाँ जहाँ ब्लैक कलर अप्लाई करना है आदि योगी की इस स्केच में, वहाँ वहाँ ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब आप ये स्केच कलर कर रहे हों तो यहाँ पर जो आपने राउंड ब्रश यूज़ करने हैं वो बहुत फाइन होने चाहिए, जैसे एक नंबर या फिर 00 या 0 नंबर के। आपने मोटे ब्रशेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारे आदि योगी की पेंटिंग तैयार है। अब आपको मोल्डेड क्ले लेना है फेविक्रिल का और इसके दोनों पोर्शंस को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 7 पोर्शंस में इक्वली डिवाइड करना है, 1 फॉर एवरी अल्फाबेट ऑफ आदि योगी। अब बॉटल पे आप आदि योगी लिखिए फेविकॉल की हेल्प से। इस आदि योगी पर हम क्ले की हेल्प से ओवरराइट करेंगे। आपको हर पोर्शन जो क्ले का हमने अलग अलग करा था, हर पोर्शन लेना है, एक अल्फाबेट बनाना है और इसके ऊपर पेस्ट करना है। इस तरीके से हम क्ले की हेल्प से आदियों की लिखेंगे। हमारा क्ले वर्क हो गया है। अब हम इसको कॉपर एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए अगेन आपको 0 या 1 नंबर के ब्रश का यूज़ करना है। तो कलर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स।